नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो आज मेरे पास एक मोबाइल है माइक्रोमैक्स का, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे इनवैलिड IMEI लिख के आ रहा है। देखिए मैंने सिम डाला हुआ है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और बोल रहा है इनवैलिड IMEI। ठीक है, अब यहाँ पर मैं IMEI नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ, *06#। तो देखिए दोनों ही इनवैलिड लिख के आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल का IMEI रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, IMEI चेंज करना इलीगल है। हम IMEI नंबर चेंज नहीं कर सकते, बस उसको रीराइट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी को वही IMEI को रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये IMEI रिपेयर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मिराकल बॉक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मिराकल बॉक्स मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, अब मिराकल क्रैक में देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल में कौन सा CPU लगा है। MTK लगा हुआ है, मीडियाटेक का है, या स्प्रेडट्रम है, या SPD। ठीक है, वह जैसे कि मुझे पता है इसमें IC लगा हुआ है MTK का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है MTK। ठीक है, ये MTK है, MTK सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको रीड इन्फो, रीड अनलॉक IMEI, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट नेटवर्क अनलॉक, रीड कोड, रिप्लेस 4, अनलॉक बूट लोडर, सेलिब्रेशन, फॉर्मेट, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पर यहाँ पे आपको IMEI का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे IMEI का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए आपको यहाँ पे IMEI का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सारे ऑप्शन हैं, रीड राइट नेटवर्क अनलॉक, पर IMEI का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो PC है या लैपटॉप है उसमें कीबोर्ड में आपको Ctrl+M, ठीक है, Ctrl+M एक साथ दाबना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं Ctrl+M, ठीक है, आपको Ctrl+M दाबने पे ये देखिए यहाँ पे आ गया IMEI स्विच ऑफ, IMEI स्विच ऑन, दो ऑप्शन आ गए आपको यहाँ पे Ctrl+M प्रेस करने पे। ठीक है ना, Ctrl+M। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, मोबाइल को हम कर लेते हैं स्विच ऑफ। तो अब मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपका जो बैटरी के पीछे लगा होता है IMEI नंबर, ठीक है ना, वही IMEI नंबर आपको राइट करना है फिर से इसमें। ठीक है, आप कोई दूसरा IMEI नंबर नहीं डाल सकते, दूसरा और कोई मोबाइल का IMEI नंबर आप नहीं डाल सकते, ये इलीगल है, इसी का ही IMEI चेंज नहीं कर सकते आप, बस यही IMEI आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही आपको राइट करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे जो IMEI थे मैंने यहाँ पे ये देखिए लिख के रखा है, तो इन IMEI को मैं यहाँ पर यही IMEI में नंबर इस पे मोबाइल पे चढ़ाऊंगा फिर से। तो अब हमें यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे, IMEI स्विच ऑफ का जो ऑप्शन है उस पे टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाते ही देखिए ये भी बोल रहा है वार्निंग, IMEI चेंज इज इलीगल। ठीक है ना, IMEI आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी बोल रहा है। तो मैंने IMEI स्विच ऑफ पे मैंने टिक लगा दिया। अब जो IMEI 1 था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं ये IMEI जो 1 है इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया IMEI 1। अब IMEI 2 इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए IMEI 1 भी कॉपी हो गया, IMEI 2 भी कॉपी हो गया। ठीक है ना, आपको टिक लगाना है IMEI स्विच ऑफ पे, और उसके बाद IMEI नंबर IMEI 1 पे IMEI नंबर लिख लेना है जो ये बैटरी के पीछे
यहाँ पे जो लिखा होता है IMEI नंबर, वही IMEI नंबर आपको यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा। IMEI 1 में, 2 में, दोनों में चढ़ा लेने के बाद, अब यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखिए रिबिल्ड का ऑप्शन है, एक है ऑटो चेकसम, इस पर टिक लगाइए, और ये रिबिल्ड का जो ऑप्शन है REBULID, रिबिल्ड के ऑप्शन में भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी टिक लगा दिया मैंने, इस पर भी टिक लगा दिया। अब ये जो नीचे स्टार्ट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, अब हमें स्टार्ट बटन देना है, मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद मैं मोबाइल पे बैटरी लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है वेटिंग फॉर USB पोर्ट, बैटरी लगा के मोबाइल पे आपको USB केबल इंसर्ट कर लेना है। मोबाइल पे USB केबल डाल के वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस करना है, वॉल्यूम माइनस बटन, ये देखिए प्लीज़ होल्ड ऑन कनेक्ट विथ फ़ोन वेटिंग फॉर USB, वॉल्यूम माइनस को आपको दबा के रखना है थोड़ी देर। ये देखिए कनेक्टिंग 80 मोड फास्ट मोड रीडिंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम द फोन। ठीक है, ये हो रहा है, ये देखिए IMEI 1 ओके, IMEI 2 ओके। ठीक है, अपना ये हो गया। ठीक है, IMEI 1 ओके, जो हमने कोड डाला था वो हो गया, ये भी हो गया, अब ये ओके बता रहा है। ये यहाँ पे 100% पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी नहीं भी पहुँचता, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो ठीक है ना, मोबाइल पे IMEI नंबर राइट हो गया, IMEI 1 भी, 2 भी। अब यहाँ पे 62% में यहीं पे स्टॉप है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 100% पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर यहाँ पे IMEI 1 राइट, IMEI 1 ओके, राइट IMEI 2 ओके करके अगर आ जाए तो ये 100% पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इससे आगे अब नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही रहेगा, क्योंकि ये अपना हो गया। ठीक है, 62% में ही हो गया, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये निकाल दिया, अब मैं एक बार बैटरी निकाल के, अभी एक्चुअली मोबाइल 80 मोड पे है, अब बैटरी इंसर्ट कर दिया मैंने, अब मोबाइल को मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए मोबाइल ऑन हो गया, अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी नेटवर्क, पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब नेटवर्क भी आ रहा है, 3G लिख के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले इनवैलिड IMEI लिख के आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर का नाम बता रहा है नमस्ते लिख के। ठीक है, अब हम एक बार IMEI नंबर भी चेक कर लेते हैं, *#06#, ठीक है, *#06#, ठीक है, ये देखिए IMEI नंबर बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने राइट किया था IMEI नंबर, ये देखिए 9114399566000439। ठीक है, और दूसरा भी 9114399571000439। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चाहे वो एंड्रॉयड हो, सॉरी MTK हो, या फिर SPD हो, स्प्रेडट्रम हो, या मीडियाटेक हो, आप कोई सा भी CPU के मॉडल को आप इसी तरीके से IMEI रिपेयर कर सकते हैं मिराकल क्रैक से। मीडियाटेक और स्प्रेडट्रम के जो फ़ोन है उसका IMEI रिपेयर आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मोबाइल दोस्तों को शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मैं जब भी ऐसी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के किस प्रॉब्लम के ऊपर बनाऊं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।